तो आज का सेशन बच्चों जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इस सेशन के अंदर हम लोग आज बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सारी के सारी जो सेमेट्री है, प्लिनो सेमेट्री है, सेंटर ऑफ सेमेट्री है, ठीक है, एक्सिस ऑफ सेमेट्री है, कौन कौन से सिलेबस में किया है, वो सारी के सारी बात हम लोग करेंगे, जेईई मेन एडवांस, ठीक है, और सीईटी जो एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए थे कि एनेंजियोमर्स हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक बार बता दो, मुझे क्लियर कर दो, आवाज आ रही है ना सभी को? यस रोहित बेटा, गुड मॉर्निंग। यस गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, यस, तो अब इस एनेंजियोमर्स को थोड़ा और मैं, हाँ, और थोड़ा सा मैं ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, जैसे बच्चों मान के चलो यहाँ पे कंपाउंड लिया मैंने, COOH यहां लगा लिया अपन ने, एसिड ग्रुप यहां लगाया मैंने हाइड्रोजन। ठीक है, कल जो पढ़ाया था ना उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूं एक बार। ठीक है, और यहां लगाया मैंने CH3। प्लीज बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले ये देखो कि ये जो कार्बन एटम दे रखा है, ये कार्बन एटम क्या SP3 होगा? यस बिल्कुल SP3 होगा। ठीक है, बिकॉज इसमें 4 सिग्मा आपको देखो, और क्या चारों ग्रुप हमारे डिफरेंट होंगे? जल्दी से बताओ, क्या जितने ग्रुप अटैच हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं? यार यहाँ पे मिथाइल है, हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोजन है, इधर आपका एसिड है, ऑल 4 ग्रुप आर डिफरेंट। ठीक है, ऑल 4 ग्रुप जो है बेटा वो कैसे आपके हैं? डिफरेंट। तो डेफिनेटली ये जो कार्बन होगा, ये जो बीच वाला SP3 वाला कार्बन है, ठीक है, दिस कार्बन इज काइरल कार्बन, CHIRL, दिस कार्बन SP3 कार्बन इज कॉल्ड काइरल कार्बन। अगर बच्चों ये काइरल कार्बन होगा तो मतलब ये कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा बच्चों ये मॉलिक्यूल, कैसा हो जाएगा? दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराएगा, या तो क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब रोटेशन कैसे होगा इस पर बात करेंगे हम लोग बाद में। अभी आपको ये समझ लो, इस सारे के सारे रिलेशन को बता रहा हूं। देखो पहले मॉलिक्यूल गिवन था, क्लियर? अब इस मॉलिक्यूल में पहले चेक करो कि जो सेंट्रल एटम दे रखा है यहाँ पे कार्बन है, क्या वो कार्बन SP3 है? हाँ बिल्कुल, 4 सिग्मा है, 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ऑल 4 ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट। डिफरेंट है तो बच्चों इसको बोलेंगे हम लोग काइरल कार्बन। ये बात समझ में आ रही है? अगर काइरल कार्बन है तो हम बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। और उसके साथ साथ मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि दिस मॉलिक्यूल इज अनसमेट्रिकल, दिस मॉलिक्यूल इज अनसमेट्रिकल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ बच्चों, एक ही बार में सारी की सारी जो जो पॉइंट्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूं। यस बिल्कुल सही, काइरल कार्बन डेफिनेटली। ठीक है, यस, तो अब देखेंगे इसके बाद हम लोग कि बच्चों एक मॉलिक्यूल को लिख मैंने पूरी की पूरी कहानी बता दी। अब इसके सामने मैंने क्या किया, एक मिरर लगा दिया है। देखो ठीक है, यहां लगा दिया मैंने मिरर, बिल्कुल समझो, जिसको भी जो भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा प्लीज उसे आप पूछ लो एक बार, है ना, मैसेज बॉक्स में जाके, आप कमेंट सेक्शन में जाके आप वहां पे मुझे कमेंट कर दो, मैं देख लूंगा। ठीक है, और आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी जो मैंने बताया वो सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मैंने आपको कंपाउंड दिया था, इस कंपाउंड के लेके जो भी थ्योरी है, ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे है, हमने कैसे इसको निकाला है, ये अनसिमेट्रिकल कैसे है, ये भी आपको मैंने बता दिया। अब इसकी इमेज बनाते हैं अपन। चलो ये मिरर है तो इसकी इमेज बनाते हैं। तो बच्चों ये जो कार्बन यहाँ रहेगा, सेंट्रल एटम तो आपके सामने रहेगा, इसके ऊपर वाला जो एसिड है वो आपका इस तरीके से, बस चेंज बच्चों क्या होगा अपने, अगर आपको पता है, आप मिरर के सामने अगर बैठे हो या मिरर के सामने जब खड़े होते हैं आप, तो बच्चों पता है ना हमारा जो हेड है वो कभी नीचे नहीं आता। ठीक है, हमारे पैर कभी ऊपर नहीं दिखते हैं। जल्दी से बताओ कभी ऐसा दिखता है क्या? ये वो हम ये होता है कि हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड में जाता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ आप शो करते हैं। ये बात मेरी समझ में आ रही है? लेफ्ट पार्ट राइट में, राइट पार्ट लेफ्ट में, कभी ऐसा हुआ क्या कि पूरा का पूरा सर आपका नीचे हो गया, पैर आपके ऊपर दिख रहे हैं? ये सुनो जल्दी से बताओ, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। राइट पार्ट के अंदर ही आपका वहां पे क्या होता है, लेफ्ट पार्ट में चेंज होता है। एग्जैक्टली रोहित, बिल्कुल सही। ठीक है, ये आपने घर में भी किया होगा, डेली करते हो ना, जब भी मिरर के सामने अपन खड़े हैं तो वहां पे आपको अच्छे से पता है कि हेड तो हमारा बराबर ऊपर ही दिखता है, पैर हमारे बराबर नीचे दिखते हैं, पेट हमारा जहाँ पे वो वहीं दिखता है,
बस हमारी जो पोजीशन चेंज है वो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में, बस यही चेंज होगी। मिरर की प्रॉपर्टीज आपने बिल्कुल पढ़ी होंगी फिजिक्स के अंदर। तो जो एसिड ऊपर दिख रहा था तो एसिड ऊपर ही रहेगा। जैसे बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता था कि सर एसिड को नीचे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मिरर में तो उल्टा होता है ना ऊपर नीचे, तो ये बात मैंने क्लियर कर दी। आपका जो हेड है वो हेड आपका प्रॉपरली आपका उसमें सब कुछ चेंज होगा, तो नीचे भी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब ऐसे मान लो कि ये एसिड क्या है, इसका हेड है, ठीक है, नीचे आपके पैर हो गए OH, इनमें होगा CHC और H में, तो H कहाँ पहुंचे एक तरफ और CHC पहुंच जाएगा एक तरफ। बात सभी को समझिए, बता दो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये क्या बन चुका है, दिस इज एक्चुअली मिरर इमेज, दिस इज द मिरर इमेज। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, बिल्कुल स्लोली चल रहा हूँ, धीरे धीरे, फास्ट नहीं चलूंगा, नहीं तो आप यहाँ से चीजें आपको बहुत ही दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ से आपका ये बन गया मिरर इमेज। अब ये आपका ये था बच्चों आपका रियल ऑब्जेक्ट, ये क्या था, ये था आपका रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट को उठाओ और ऊपर रखो, अरे भाई इसी ऑब्जेक्ट की इमेज ये बनी है ना, इसी को ऊपर रखो तो एसिड को कवर कर लेगा। अरे बताओ भाई कितना एसिड हो, ये वाला पार्ट इसको कवर कर लेगा, ठीक है सर। ये कार्बन इसको ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये हाइड्रोक्सी इसको ओवरलैप करेगा, हाइड्रोक्सी पोजीशन में है। ये हाइड्रोजन इधर दिख रहा था, इधर यहाँ पे CH3 है, तो क्या ये हाइड्रोजन CH3 को ओवरलैप कर सकता है, नहीं। क्या ये CH3 कभी भी हाइड्रोजन को ओवरलैप कर सकता है, क्या नहीं। तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो रियल इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल। अगर जो फॉर्म हो रही है तो इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या, कि जो रियल ऑब्जेक्ट ने अपनी ही इमेज को ढक नहीं पाया पूरी तरीके से, उसे ओवरलैप नहीं कर पाया, इसे बेसिकली ट्रिक ओनली। तो जब वो ओवरलैप नहीं कर पाया, तो ना कर पाने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिल रहा है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है कि ये कंपाउंड बच्चों क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मतलब परफेक्टली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये जो रियल ऑब्जेक्ट है, दिस रियल ऑब्जेक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ कितनी बात सभी बच्चों क्लियर हो रही है, यहां तक सभी को समझ में आ गया। ओके, इसके बाद थैंक यू समृद्धि, बेटा सभी लोग बताओ यहां तक क्लियर हो गया ना। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो ओके, अब यहां से हम लोग देखते हैं क्यों बोलते हैं। तो पहली बात तो आपको समझ में आती है कि रियल ऑब्जेक्ट ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक, ये पूरी की पूरी कहानी आपको क्लियर हो चुकी है। अभी क्वेश्चन हमारा ये बचा हुआ है, नाउ क्लियर। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बचा हुआ है कि सर यहाँ पे ये तो सर रियल इमेज, ठीक है, ये तो इस पर ये आपका रियल ऑब्जेक्ट था, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट से ये आपकी बची थी इमेज। तो मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया कि जो रियल ऑब्जेक्ट बनने वाली इमेज है वो उस इमेज को ऊपर रियल ऑब्जेक्ट नहीं करता है, ये बात सभी को बता रही, मुझे नहीं पता सर यहाँ पे CHC है, यहाँ OH है, यहाँ पे एसिड है, इमेज मुझे फर्स्ट ऑब्जेक्ट
ये ऑब्जेक्ट लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट मुझे नहीं पता ओके तो यहाँ पे बच्चों बीच में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हुआ था, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, आवाज आ रही है अभी आपको, सभी बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि हमारा एनेंजियम, ठीक है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे आपका एसिड था, ठीक है, यहाँ पे आपका ये CH3 है। अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, शायद आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो नेटवर्क इंटरनेट की जो स्पीड है वो उसमें कुछ तो दिक्कत हुई है ना, बहुत स्लो आ रहा है। अपलोडिंग स्पीड तो ठीक है, लेकिन बट अगर कुछ भी इस तरीके से करते हैं कनेक्ट तो बहुत स्लो आ रही है। क्या दिक्कत हो रही है ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अरे कम से कम यार बच्चों को घर में बैठ के तो पढ़ने दो, गवर्नमेंट कैसे रूल्स लेके आती है। यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे आपका ये एसिड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे आपका ये CH3 होगा, और इस तरफ आपका यहाँ पे हाइड्रोक्सी होगा, ठीक है। तो अभी आपको मान के चलो मैंने ये फर्स्ट कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड से बनने वाली इमेज आपको पता चल रही है, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसा करते हैं कि मैं इसको मान लेता हूँ सेकेंड कंपाउंड, ठीक है। ऐसे पेयर बना के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड
मेरा भी इंटरनेट स्पीड सिर्फ 5 Mbps है यस। हाँ बेटा कुछ तो दिक्कत है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप समझ रहे हो ना तो फिर बिल्कुल सही है। अभी सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 33 स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं, ठीक है, उनको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है ऐसा लग रहा है। फिर बाद में वो डाउट पूछेगा ना कि सर ऐसा कैसे होगा वैसा कैसे होगा, तो फिर मैं भी उनको घुमाने वाला हूँ अच्छे से, ठीक है। जो टाइम देता हूँ उस टाइम पे अगर ज्वाइन नहीं होगा तो फिर मैं भी बोलूंगा मेरे पास भी टाइम नहीं है, बाकी बच्चों को मुझे भी डाउट कर सॉल्व कराना होता है, ठीक है, या फिर उनको मतलब कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ना अभी मैं लेक्चर को लॉक ही कर देता हूँ, वो बाहर ही बैठने दो। ओके चलो अभी ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट की इमेज बन चुकी है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा कि ये फर्स्ट कंपाउंड है ये सेकेंड कंपाउंड है, बताओ इनमें चारों में से एनेंटियोमर स्फीयर कौन सा है। तो कैसे आपको पहचानना है, सुनो ध्यान से, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट दे रखा होगा और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट जो कंपाउंड मॉलिक्यूल दे रखा होगा, तो फर्स्ट या बच्चों सेकेंड ये आपस में एक दूसरे की आप मिरर इमेज बना के देखना, ठीक है। जी ट्रिक बता रहा हूँ, एनेंटियोमर्स निकालने के, एनेंटियोमर्स पेयर कौन कौन से होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, एनेंटियोमर पेयर कौन कौन से हैं। तो क्या कर रहे हैं आपको, फर्स्ट या सेकेंड इन दोनों में से किसी मॉलिक्यूल को पकड़ना और इसकी मिरर इमेज बनाना। तो मिरर इमेज बनाने के बाद अगर वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, एक वर्ड यूज कर रहा हूँ सुपर इम्पोज, अगर वो सुपर इम्पोज नहीं कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपके वो क्या होंगे, वो एनेंटियोमर्स ही होंगे। अगर वो सुपर इम्पोज कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वो मिरर इमेज, तो आपके वो एनेंटियोमर्स नहीं हो सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि सुपर इम्पोज ना करने का मतलब है कि वो आपके कहते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कायरल सेंटर होना बहुत जरूरी है। तो वन कायरल सेंटर की कंडीशन लोग पढ़ रहे हैं, अभी एक से अधिक कायरल सेंटर भी आने वाले हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वन कायरल सेंटर अगर ऐसा होगा तो कैसे पहते हैं एनेंटियोमर पेयर कौन सा होगा, तो मैंने बताया दोनों में से किसी को उठाओ, चाहे आप इसको उठाकर ले लो, इससे बनाओ तो इसकी इमेज देखो ये बनेगी, इसकी इमेज ये बनेगी। वहां पे पता गिवन क्वेश्चन में, गिवन जेई में एडवांस क्वेश्चन में आपको बताया थोड़ी जाएगा कि बच्चों पहला कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की मिरर इमेज है कि नहीं है, तो आप किसी को भी उठाते हो उसकी मिरर इमेज बनाना, तो एक दूसरे कंपाउंड के आपस में वो मिरर इमेज आपकी होगी, लेकिन मिरर इमेज आपकी सुपर इम्पोज नहीं करनी चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर सुपर इम्पोज कर जाएगी बच्चों तो हम उसको एनेंटियोमर पेयर नहीं बोल सकते हैं। तो एनेंटियोमर पेयर हम तब बोलेंगे कि एक कंपाउंड लाइट को अगर डी में रोटेट कर रहा है तो दूसरा वाला एल में करना चाहिए, अगर ये एल में रोटेट कर रहा है तो इसको डी में करना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या सभी बच्चों को, और डी अगर ये डी में कर रहा है, अगर डी है ये तो वो एल है, अगर ये एल है तो ये डी है, मतलब अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्या मेरी बात समझ, ये तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल कैसा हो, अनसिमेट्रिकल हो, मॉलिक्यूल कैसा हो, अनसिमेट्रिकल। अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होगा तभी आपका यहाँ से बनने वाला जो इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, और नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो डेफिनेटली बच्चों ये जो फर्स्ट और सेकेंड जो बने हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को हम बोल सकते हैं एनेंटियोमर पेयर। देखो ये लिखा हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं एनेंटियोमर पेयर। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, एनेंटियोमर पेयर की कहानी समझ में आ गई सभी, जल्दी से बताओ एनेंटियोमर पेयर किसको बोलते हैं। वन सेकेंड, अभी यहाँ पे क्लियर हुआ है क्या, एनेंटियोमर पेयर, एनेंटियोमर पेयर तक पूरा समझ में आ गया सभी को। ओके ठीक है, थैंक यू, यस अमूल्या, अनन्या, थैंक यू, हेक्टर, यस, जितने बच्चे ज्वाइन है बहुत ही प्यारे बच्चों आप लोग सभी, और जो ज्वाइन नहीं है भाई उनके लिए तो देखना मैं डाउट सॉल्व करने में कितना उनको इशू करिए, तो वो डाउट सॉल्व पूछेंगे यार मुझसे पूछेंगे नहीं। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो सीरियसली मतलब पहले जब ऑफलाइन सेशन चल रहा था तो उसके अंदर वो बहुत ही मतलब ऊपर नीचे करते थे, फिर उसके बाद वो पढ़ाई करने लगे, फिर उसके बाद फिर से अभी घर में बैठ गए, घर में मतलब कोई देखने वाला ऐसा है नहीं मुझे ऐसा लगता है। जो टाइमिंग मैंने कल भी अच्छे से दी थी आपके फायदे के लिए दी थी भाई, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, इसलिए जो बच्चे जो है ना उन्हीं को मैं पढ़ाऊंगा। चलो तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका है, अब देखो यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा भी है, प्लीज बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे अपन, ठीक है, थोड़ा ऐसे अपन जूम कर लेते हैं पढ़ने के लिए। देखो तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एनेंटियोमर। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, एक कंपाउंड फर्स्ट है एक कंपाउंड सेकेंड है, अभी मैंने जस्ट आपको एग्जांपल भी दिया था,
तो ये इसकी मिरर इमेज को ढकेगा नहीं, ओवरलैप नहीं करेगा। अगर फर्स्ट की मिरर इमेज सेकेंड है तो पहला मॉलिक्यूल सेकेंड को ढकेगा नहीं, पूरा ओवरलैप नहीं करेगा। अगर सेकेंड मॉलिक्यूल की इमेज अगर फर्स्ट है, मिरर इमेज फर्स्ट है, तो बच्चों सेकेंड मॉलिक्यूल फर्स्ट को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं करेगा, ढकेगा नहीं। आपको करना क्या, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में ही कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो इस टाइप के बेटा हम कंपाउंड क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मॉलिक्यूल। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। मैं देखो दो तीन दिन से सिर्फ यही बात कर रहा हूँ, कोई आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मॉलिक्यूल से दोनों के दोनों हो जाएंगे, क्लियर है। तो उन दोनों पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एनेंजियोमर्स का मतलब होता है पेयर, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। पेयर का मतलब बच्चों होता है टू, आपको अच्छे से पता है, इतनी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, पेयर का मतलब टू होता है, आपको पता सभी को होगा लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में जब भी बात किया, एनेंजियोमर्स कहीं लिखा है तो एनेंजियोमर्स में लास्ट में देखो एस है, एस है कि नहीं बच्चों, तो एक से अधिक है कि नहीं बताओ, सिंगुलर प्लूरल आपने पढ़ा होगा, तो मतलब एक से अधिक अगर कंपाउंड्स का सिस्टम है तो उसको अपन पेयर बोलते हैं, ट्रेड सिस्टम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे पेयर, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब एनेंजियोमर्स, जो आपस में अपनी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को डिफाइन कर रहे होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल लाइट को, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को अगर डीमर रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और यहीं पे अगर ये फर्स्ट मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा तो सेकेंड मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज में रोटेशन कर रहा होगा, ऐसा भी मान के चलो। अभी आपको ये भी क्लियर होगा कौन सा क्लॉकवाइज करने वाला है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज करने वाला है, ऐसे टेंशन मत लो। इतनी बार सभी को समझ में आ गई, और आपको अच्छे से पता है कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट को कोई भी ऑब्जेक्ट या कंपाउंड अगर रोटेट करता है तो क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो बच्चों वो कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात पूरी क्लियर है? ये मैं सारे के सारे पॉइंट को रिलेट कर पा रहा हूँ अच्छे से। एक काइरल कंपाउंड ऑलवेज हैज एन एनेंजियोमर इन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। मैंने बोला है काइरल, काइरल का मतलब बच्चों क्या होता है जल्दी से बताओ। अगर उसको बोलते हैं काइरल, ठीक है ओके पढ़ रहे थे नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। एनेंजियोमर्स क्या होते हैं, या भी मैंने आपको बताया, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड अराइजेस
absence of symmetry. This is very important. Symmetry का मतलब आपको समझना आता है, symmetrical system. Symmetrical system का मतलब है, जैसे अगर मैं आपको एक molecule को जो लिखा था मैंने COOH, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे हाइड्रोजन था. यहाँ मॉलिक्यूल आधा था, कट करके देखो बेटा, कट करने का मतलब ये, अगर मैं थोड़ा सा आपको सही समझा पाऊँ तो शायद आपको समझ में आ पाएगा. क्योंकि अभी मैंने वो मतलब मान लो ये मॉलिक्यूल थोड़ा फील कर लो, ठीक है, ये मॉलिक्यूल दे रखा है, इस मॉलिक्यूल से मैंने इस तरीके से बीच में यूं है, ठीक है, एक अलाइनमेंट ड्रॉ करते बीच से कट कर दिया. मेरी बात समझ में आती है, इसको बीच से कट कर दिया. तो बीच से कट करने के बाद क्या आपको इक्वल हाफ में कट हो, इक्वल हाफ में आता था मॉलिक्यूल बराबर कट हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे बराबर बराबर कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. तो बराबर बराबर कट नहीं हो रहा है तो अपने से बोल सकते हैं सिमेट्री होगी, चेंज होगी. आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि इतनी बात सबके लिए कर रहा हूँ आपको, इतनी बात समझ में आ रही है क्या, सिमेट्री वर्ड क्लियर हो रहा है. मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है, हाँ आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो सकती है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार. वन अभी ठीक आ रही है, नाउ क्लियर, ओके, अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है क्या आकांक्षा, यस प्रथमेश, ओके. तो यहाँ पे देखो है क्या, यहाँ पे है अब्सेंस ऑफ सिमेट्री. अगर मॉलिक्यूल्स में अब्सेंस ऑफ सिमेट्री रहेगी तो अब्सेंस ऑफ सिमेट्री की वजह से यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल है उसको हम बोल सकते हैं कि वहां पे जो मिरर इमेज फॉर्मेशन की हम बात कर रहे थे वो मिरर इमेज तभी फॉर्म कर, लेकिन मिरर इमेज कौन सी बच्चों, नॉन सुपरइम्पोज्ड. तो एक वर्ड आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी नॉन सुपरइम्पोज्ड, नॉन सुपरइम्पोज्ड का मतलब ये है कि वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से ऐसी इमेज बन रही है उस ऑब्जेक्ट के साथ वो इमेज अगर एक दूसरे को पूरी तरीके से ढकती नहीं है, ओवरलैप नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज उसी कंपाउंड से बनेगी जिस कंपाउंड के पास बच्चों होगी आपकी अब्सेंस ऑफ सिमेट्री. इसलिए मैंने बोला भी था, अगर आपको याद होगा कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, मैंने बोला था ना कि जितने भी कायरल कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी कायरल कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल. याद होगा एसिमेट्रिकल मैंने वर्ड यूज किया था. एसिमेट्रिकल का मतलब है कि वो सिमेट्री नहीं है उनके पास, मतलब आपकी सिमेट्री कैसी है, अब्सेंट है. कितनी बात समझ में आ रही है. तो जहां पे सिमेट्री अब्सेंट होगी, और सिमेट्री को देखने के लिए बच्चों बीच से कट कर दो मॉलिक्यूल को, चाहे इधर से हॉरिजॉन्टली कट करो चाहे वर्टिकली कट करो, किधर से भी कट करके देख लो, है ना, जो इक्वल हाफ आधा आधा बनेगा ना वो आधा आधा मॉलिक्यूल एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, वो एक जैसा नहीं होगा. अगर एक जैसा नहीं है तो उसको बोलेंगे कि बेटा यहाँ पे आपकी अब्सेंट सिमेट्री है. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ. अगर इसको मैं ऐसे बोलूं, जैसे बच्चों हमारे पास ओ, इस ओ को अपन अगर कट करते हैं बीच में से, बताओ जरा, अगर बीच में से कट करते हैं तो इसका हाफ और इसका हाफ दोनों बराबर होगा ना. तो अगर दोनों बराबर होगा तो मैं बोलूंगा कि इस कंपाउंड, इस ओ कंपाउंड के पास, तो वो जो आपका है, आपके यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिया है, जो भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे क्या सिमेट्री प्रेजेंट है सर, बिल्कुल. क्योंकि तो जब मैंने इसको बीच से कट, मैंने इसको वर्टिकली कट किया, मैं इसको हॉरिजॉन्टली भी तो कट कर सकता हूँ, तो ऊपर वाला सेक्शन नीचे वाले सेक्शन से क्या बच्चों सिमेट्रिक हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है. तो मतलब यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट है. मेरी बात समझ में आ रही है क्या सभी को, इतनी बात सभी बच्चों क्लियर है क्या, सिमेट्री वर्ड समझ में आ गया, चलो ओके. अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ऑल अदर काइंड ऑफ कंफ्यूग्रेशनल आइसोमर. बेटा याद है ना कंफ्यूग्रेशनल और कंफर्मेशनल, तो कंफ्यूग्रेशनल के बच्चों दो टाइप है, मैंने आपको पढ़ाया था कंफ्यूग्रेशनल आइसोमर के दो टाइप थे. इसमें पहला टाइप था आपका ज्योमेट्रिकल, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है. सेकेंड पार्ट आता है बच्चों ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, एक भी चीज स्किप नहीं होनी चाहिए. तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूग्रेशन में आपके दो पार्ट है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. ज्योमेट्रिकल हो चुका है, ऑप्टिकल हम लोग अभी कवर कर रहे हैं. तो यहाँ पे ऑल अदर काइंड ऑफ कंफ्यूग्रेशन आइसोमर इंक्लूडिंग सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑल्सो, बिकॉज सिस एंड ट्रांस ऑल्सो कम्स इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आपको अच्छे से पता है, ठीक है, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल के अंदर आते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे पूरे के पूरे कंफ्यूग्रेशन आइसोमर्स की बात कर रहे हैं,
all other kind of configuration isomers including cis and trans, that is, इसका मतलब क्या है, non enantiomeric stereomer, मतलब enantiomer pair नहीं भी होंगे, तो enantiomer pair क्यों नहीं है, जरा ये भी बताओ, मैं तो कोई सिंपल सी बात बोलता हूँ आपको, ध्यान देना बच्चों, cis और trans, तो cis और trans से हम लोगों ने बोला था कि सर यहाँ से तो ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ तो काइरल सेंटर है ही नहीं, अरे मैंने आपको बताया था ना, बिकॉज क्यों नहीं है, बिकॉज सिस और ट्रांस के अंदर तो बच्चों sp2 मिलता है, ये आपको पता है डबल बॉन्ड वाला चीर आ रहा था, अगर याद होगा बच्चों अच्छे से जल्दी से बताऊं, तो वहां पे आपका काइरल सेंटर नहीं आ रहा था ना, वहां पे काइरल सेंटर आपका नहीं आ रहा था, तो वो ऑप्टिकल नहीं थे, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके जो सिस और ट्रांस जो आइसोमर हैं वो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर से ही टाइप है, लेकिन वो ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं है, तो इस टाइप के सिस और ट्रांस जो पेयर हैं, इन पेयर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन एनेंशियोमर स्टीरियोमर, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, एनेंशियोमर्स किसको बोलते हैं, मैंने बताया था एनेंशियोमर्स पेयर उनको बोलते हैं जो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के आपस में दूसरे की रिमेज हो, लेकिन वो एक दूसरे को ढकते नहीं है, ओवरलैप नहीं करते हैं, तो मैं बोलता हूँ वो एनेंशियोमर्स पेयर है, तो नॉन एनेंशियोमर्स पेयर कौन से हैं, तो याद रखना सिस एंड ट्रांस, सिस और ट्रांस आपके क्या होते हैं, नॉन एनेंशियोमर स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, बात समझ में आ रही है, तो नॉन एनेंशियोमर स्टीरियो आइसोमर्स को बच्चों बोलते हैं डाया स्टीरियोमर, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो डाया स्टीरियोमर समझ में आया, एनेंशियोमर्स क्लियर हो गया, तो डाया स्टीरियोमर्स किसको बोलेंगे बच्चों, सिस एंड ट्रांस को, क्या बोलेंगे हम, डाया स्टीरियोमर, भाई आइसोमर्स तो है बट वो लाइट को रोटेट नहीं करने वाले, वो प्लेन पोलराइज लाइट को कभी भी रोटेट नहीं करने वाले, तो दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट, क्या बच्चों बोले उनको हम डाया स्टीरियोमर्स बोलेंगे, इसको और मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा बेहतर, अभी आप जितना पॉइंट है उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया, इतनी बात सभी को समझ में आ तक आ गई हो, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्यान दो बच्चों, ये देखो, यस सभी को बात यहां तक समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर है, एक बार आप रिस्पॉन्स कर दो, यहां तक सभी क्लियर है, ओके ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पे जरा इसको ध्यान से देखिए, मैं तो देखो कल भी बोला था यार आप आराम से घर में जाग जाओ, आप आराम से 8 बजे तक सो, कोई दिक्कत नहीं है, 8:30 तक सो, उसके बाद आप लेटे लेटे ही लेक्चर को देखो, कोई आपको प्रेशर नहीं है बेटा, आपको अब तो कॉलेज भी नहीं आना है कि ड्रेस मुझे ये करना है पहनना है जल्दी जाना है, ठीक है थोड़ा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचना, आपको घर में आराम से लेटे लेटे ही देखो, हम मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि चीजें थोड़ा स्लो हो रही थी, सर रिपीट डायस्टीरियोमर, हाँ डायस्टीरियोमर्स को मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, अभी देखो डायस्टीरियोमर्स वो होंगे जो एनेंशियोमर्स नहीं होते, अभी यहाँ पे एक्सप्लेन मैं करता हूँ पूरा, चलो तो पहले बात करते हैं आइसोमर्स, अभी डायस्टीरियोमर्स अभी सारे कंपाउंड आने वाले हैं, मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कंपाउंड के ऊपर भी, अभी सिर्फ थ्योरी सेक्शन है, आइसोमर्स क्या है बच्चों जल्दी से बताओ, आपको देखो सिंपल सा स्टेटमेंट यहाँ पे एक बार रिवाइज करते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, अपन उसे आइसोमर्स बोल सकते हैं ना, आइसोमर्स के दो टाइप से बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर जिसको अपन ने बोला था टू डायमेंशनल, जरा याद करो रिवाइज करो बेटा जल्दी से, और स्टीरियो आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बेटा आइसोमर्स व्हिच एटम्स हैव अ डिफरेंट कनेक्टिविटी, अरे याद है बच्चों चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, सब ये कनेक्टिविटी का ही काम था वहां पे, याद है ना आपको, तो ये आपका पहला टाइप हो गया, सेकंड टाइप में क्या है बच्चों, ये आपका थ्री डायमेंशनल थ्री डी आइसोमर्स है, इसे बेटा बोलते हैं स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस, स्पेस के अंदर मॉलिक्यूल्स की पोजीशन चेंज हो रही है, तो लिखा है द आइसोमर्स दैट हैव द सेम कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी विल बी सेम बट दैट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स इन स्पेस, स्पेस में अरेंजमेंट आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, हम लोगों ने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चों, बात समझ में आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में क्या होता है कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, स्टीरियो आइसोमर्स में कनेक्टिविटी सेम होती है बस स्पेस के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हमने बहुत सारे एग्जांपल भी पढ़े थे, एनेंशियोमर्स की बात करते हैं, एनेंशियोमर्स में भी पढ़ा था स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बेटा फर्स्ट कंपाउंड था वही सेकेंड कंपाउंड आपस में क्या होने चाहिए नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, तो अपन ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को एनेंशियोमर्स बोलेंगे, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, डायस्टीरियोमर्स बच्चों क्या होंगे, तो स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दैट आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सन्मेश साक्षी अमूल्या आकांक्षा रोहित प्रथमेश जल्दी से बताओ बेटा, समृद्धि सभी को यहां तक क्लियर हो रहा है,
सभी को यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ, सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। डन। तो यहां पे आपको यहां समझ में आ गया, थैंक यू। तो देखो डायस्टीरोमर्स है क्या, डायस्टीरोमर्स में और यहाँ पे एक कैटेगरी के बेस पे एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसे स्टीरियोआइसोमर जो मिरर इमेज का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हो आपस में दूसरे के साथ, तो अपन उसको बोलेंगे डाया स्टीरियोमर। हो गया ना क्लियर, समझ में आ गया? चलो अब और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और थोड़ा समझते हैं। देखो ध्यान से, यस हाँ नहीं नहीं अभी 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 मैं अभी मैं और एग्जांपल लूंगा ना, एग्जांपल के बेस पे आपको और अच्छे समझ में आएगा। शर्मिल मीन्स दे आर नॉन सुपरइम्पोजेबल, वो मिरर इमेज फॉर्म नहीं करते हैं। मिरर इमेज मतलब वो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाली कैटेगरी है शर्मिल, वो आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाली कैटेगरी है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं ना, वो कैटेगरी आपके डायस्टीरियोमर्स में आती है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी आप यहाँ देखो ध्यान से, डायस्टीरियोमर्स को और थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्लियर आपको और अच्छे से हो जाएगा सभी को। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे टू नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, हमारे पास एक मॉलिक्यूल ए है, जरा समझो ध्यान से, दूसरा मॉलिक्यूल आपका सेकेंड है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब डू दे हैव द सेम फॉर्मूला, हम लोग चेक करेंगे क्या उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे। अगर उनके मॉलिक्यूल, अरे सिंपल से बच्चों आप आइसोमर्स क्या बोलते हैं बताओ, दो मॉलिक्यूल दिए हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स के कंपेरिजन को अपन आइसोमर्स में काउंट करते हैं ना, कंपेरिजन के बारे में बात करते हैं। तो दो आपके नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, आपको नहीं पता वो मॉलिक्यूल्स कौन है, तो वहां पे अपन पहले क्या चेक करेंगे, पहले पॉइंट पे बताओ जल्दी से, फर्स्ट पॉइंट पे अपन क्या चेक करेंगे, क्या उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और एज वेल एज हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी चेक करते हैं, है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। याद है बच्चों, अगर उनका डीयू और उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम आ जाता है तो अपन क्या बोलेंगे, यस सर वो आइसोमर्स है। अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम ना हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डिफरेंट हो जाए दोनों का, टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स का, तो अपन उसे बोलेंगे आइसोमर्स वो नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, पहले बताओ। आपको कोई से दो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, अमूल, अमूल्या, अनन्या, यस सभी लोग बताओ क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है, रोहित, साक्षी एंड सिमरन, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। मतलब आपको दो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, वो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में आपको नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन यहाँ से हम लोग निकालेंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ से, कि वो दोनों मॉलिक्यूल्स का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिग्री संख्यू, अगर उन दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उन दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर सेम हो जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर सेम हो जाता है, डीयू निकालना आपको बताया था ना, आपको दो मेथड से बताया था, तो उस केस में दो दो फॉर्मूले बताए, तो कोई सा भी लगा वो आंसर आपको मिलता है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन, अगर रिंग स्ट्रक्चर गिवन है, रिंग गिवन है, डबल बॉन्ड गिवन है, तो आसान है कि भाई डबल बॉन्ड का क्या होता है, वन होता है, ट्रिपल बॉन्ड का दो डीयू होता है, रिंग का वन डीयू होता है, ठीक है। तो टू नॉन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स गिवन है, अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डीयू सेम होगा तो वी विल कॉल कि बच्चों को आइसोमर्स होंगे। तो बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। दूसरी, आर द मॉलिक्यूल्स नेम्ड द सेम एक्सेप्ट द प्रीफिक्स सच एज सिस, ट्रांस, आर एंड एस। बच्चों भी हम लोगों ने आर एस नहीं पढ़ा है, आर एस कंट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा, दिस इज ऑल्सो नॉमनक्लेचर इन ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के नॉमनक्लेचर है। हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल के सिस और ट्रांस पढ़े थे, आर एस अभी हम लोगों ने नहीं पढ़े, मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा आइसोमर्स के अंदर, तो आइसोमर्स में ये चेक करूंगा कि आर द मॉलिक्यूल नेम्ड द सेम, क्या दोनों के नेम आपके सेम है, एक्सेप्ट फॉर प्रीफिक्स, इन प्रीफिक्स को छोड़, उसी तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर्स के जो कंपाउंड है उनको अपन आर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एज ए प्रीफिक्स। आर कौन सा होगा, एस कौन सा होगा, मैं बताऊंगा बाद में रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपने सिस और ट्रांस को छोड़ दें, बाकी अगर आपका नेम दोनों का सेम होता है, प्लीज बच्चों ध्यान देना, सिस और ट्रांस को छोड़ दें। जैसे मैं एग्जाम्पल दो को बताता हूँ, ध्यान देना, जैसे यहाँ पे है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, चलो सी एस सी लगा लिया, यहाँ पे लगाया मैंने हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका सी एस थ्री है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है। सेकेंड मॉलिक्यूल अपन यही बना लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज सी एस थ्री हाइड्रोजन, ऊपर मेरे यहाँ सी एस थ्री, इस सी एस थ्री को ऊपर ले गया, एच को नीचे लाया, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला फॉर्म क्या है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन अपोजिट साइड, सी एस थ्री ऑल्सो अपोजिट साइड, तो वी विल कॉल करके ट्रांस होगा। नीचे वाले में देखो हाइड्रोजन सेम साइड, सीएचथ्री भी सेम साइड, देन वी विल कॉल इट सिस। तो सिस और ट्रांस हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं, तो प्रीफिक्स को छोड़ देना, प्रीफिक्स को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, क्या बाकी दोनों का नाम सेम होगा, आयोपिक नेम सेम होगा, बस तू जल्दी से बताओ,
हाँ सर, दोनों का आयोपिक नेम सेम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही लिखा है, आर दे मॉलिक्यूल्स, मुझे चेक करना है, ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, नेम दी सेम, क्या उन दोनों का मॉलिक्यूल्स का नेम सेम है? आपको नहीं दिखाना है, नहीं काउंट करना है किस ट्रांस अजीब प्रीफिक्स और ROS अजीब प्रीफिक्स। अगर सेम है तो बच्चों से हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर। क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर। हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर नहीं बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। यस, देन ये स्टेप है, पहले इसको चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर यहां तक अपन को पहुंचना है। फिर स्टीरियो, अगर स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो बच्चों इसमें दो पार्ट आते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आता है और दूसरा आपका ऑप्टिकल आता है। तो यहां से फिर से चेक करना जरूरी है। तो आर दे मॉलिक्यूल्स मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, क्या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बना रहा है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर दे मॉलिक्यूल्स मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, अगर दोनों की एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की क्या मिरर इमेज बना रहा है? अगर मिरर इमेज बना रहा है बच्चों, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मिरर इमेज बनाने के साथ साथ वहां पे नॉन सुपर इम्पोजिबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का अगर फॉर्मेशन कर रहे हैं एक दूसरे, तो बच्चों को हम एनेंटियोमर पेयर बोल सकते हैं। बिल्कुल बोलेंगे, तो डायस्टीरियोमर्स नहीं होंगे, तो जो बचे हुए हैं वो डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। आप उसको ऐसे भी रिलेट कर लो, डायस्टीरियोमर्स जनरली यूज फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। डायस्टीरियोमर्स जनरली यूज फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज नॉन सुपरइम्पोजिबल चाहिए। हाँ, वो नॉन सुपरइम्पोजिबल ही है रोहित, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये जो आपका ये जो देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया, एनेंटियोमर्स क्या है? एनेंटियोमर्स हम लोग वर्ड यूज करेंगे ओनली फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए एनेंटियोमर्स यूज करेंगे। डायस्टीरियोमर्स 99% यूज ओनली फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आपको अच्छे से पता है कौन कौन से केसेस हम लोगों ने पढ़े, क्या आपको याद है? एनेंटियोमर्स में भी सब आया था आपको। एनेंटियोमर्स में क्या था? sp3 दिखना चाहिए, वन कैरल सेंटर भी आपका होना चाहिए, कम से कम एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज होना चाहिए, लेकिन मिरर इमेज के साथ साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, तो उसे अपन बोलेंगे एनेंटियोमर। अगर सुपर इम्पोजिबल, अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं बनाएंगे, मतलब एक दूसरे को ढक लेंगे पूरा, तो वो आपके डायस्टीरियोमर्स कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है? अभी एग्जांपल लेते ना, और बेटर समझ में आ जाएगा। एग्जांपल भी आने वाला है धीरे धीरे, धीरे धीरे मैं एग्जांपल भी लेने वाला हूँ और आपको बेटर समझ में आ जाएगा। यस, यहां तक क्लियर हो गया है? देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, सिस एंड ट्रांस एल्केन आइसोमर्स आर डायस्टीरियोमर, सिस एंड ट्रांस साइक्लो एल्केन आइसोमर्स ऑल्सो डायस्टीरियोमर। तो मैं उतनी देर से आपको यही बोल रहा था कि बच्चों जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम लोगों ने सारे के सारे पढ़ रखे हैं जैसे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जनरली बच्चों 99% केस के अंदर आपके डायस्टीरियोमर्स ही होते हैं। आप उसे टिक करके आ जाना सीधा। अब जरा यहाँ पे देख लो, एक ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ पे सिस दे रखा है, यहाँ पे ट्रांस दे रखा है, सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ये। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है तो फटाफट से हम लोग डायस्टीरियोमर ही टिक कर देंगे, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई, विद इन सेकंड हम लोग डायस्टीरियोमर टिक कर देंगे फट से। नीचे वाला मॉलिक्यूल देखो, यहाँ देखो ध्यान से, एक सिस वाला फॉर्म है, एक ट्रांस वाला फॉर्म है, तो कुछ भी नहीं सोचना आपको। हम लोगों ने पढ़ा था साइक्लोएल्केन वाला केस, बच्चों याद है क्या? दोनों मिथाइल इधर तो किस तरीके से, यहाँ पे मिथाइल आपके अपोजिट साइड में, तो डेफिनेटली हम लोग इसे टिक बच्चों क्या करेंगे? यस सर, दिस इज डायस्टीरियोमर। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं बच्चों इसी तरीके से, जेई मेंस अगर पहचानने को आते हैं, तो आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसे हम डायस्टीरियोमर्स में डालेंगे। बाकी अगर इसके बाकी बात बात बेटा केस है जो ऑप्टिकल आइसोमर्स वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमर पहली कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं sp3 कार्बन वाली, और उसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। फोर डिफरेंट ग्रुप आपके होने चाहिए। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? जल्दी से यहां तक क्लियर हो गया सभी को? अब मैं कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल देता हूँ इसको समझने के लिए ना, थोड़ा और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सेक्शन की तरफ चलते हैं, थोड़ा उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? थोड़ा अलग सेक्शन लेते हैं। जैसे मान के चलो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है कार्बन, दिस इज ब्रोमीन, दिस इज अ हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सी, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। बताओ बच्चों, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नहीं होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दो हाइड्रोजन कैसे हैं? सेम है, बट कार्बन बच्चों sp3 है उससे मतलब नहीं है, बट दोनों हाइड्रोजन आपके कैसे हैं? सेम है, सेम है, टू डिफरेंट, बट चारों डिफरेंट होने चाहिए थे। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मैं लिख सकता हूँ नो ऑप्टिकल एक्टिव,
ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। जैसे मॉलिक्यूल एक और लेता हूँ, जैसे आपका यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे आपका सी डबल ओ एच, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे हाइड्रोक्सी, ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आपके दो ग्रुप कैसे हैं, सेम मिल रहे हैं। इसी के साथ में एक मॉलिक्यूल और लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कार्बन CH3 कार्बन एंड CH2 एंड दिस इज CH3, यहाँ लगाया बच्चों मैंने ब्रोमीन और यहाँ लगाया मैंने क्लोरीन, क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? जल्दी से बताओ, क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, करना चाहिए, हाँ करेगा करेगा, सही है, क्योंकि दोनों दोनों डिफरेंट है ना, ये दोनों डिफरेंट है, ये से डिफरेंट है, सारे के सारे डिफरेंट है, बीच वाला कार्बन है sp3 है और चारों ही ग्रुप डिफरेंट है, तो मतलब यहाँ पे आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलने वाली है, ठीक है। अभी इसी चीज को मैं थोड़ा अलग ढंग से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, चलो इसको एक बार कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, समझते हैं बच्चों डाइसिमेट्री एक्चुअली है, ठीक है, तो डाइसिमेट्री की तरफ चलते हैं। थोड़ा मैं दूसरी PDF शेयर करता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको जब ज्वाइन होना है हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, ये बात पूछते रहना। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में ये तीन पॉइंट है, पहला बच्चों आपके एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेकंड होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, थर्ड होती है एक्स ऑफ सिमेट्री। एक्स ऑफ सिमेट्री हमारे सिलेबस में ही नहीं है, पहले भी इसको क्रॉस कर देता हूँ, सिलेबस में नहीं है तो उसे पढ़ने कोई भी जरूरत नहीं है। एक और बच्चों होती है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये सिमेट्री बहुत सारी होती है, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो हम पहले ध्यान देंगे, हमारे सिलेबस में सेंट्रल एक्स ऑफ सिमेट्री नहीं है, दूसरा अल्टरनेट एक्स ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो इसको हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसी के बेस पे पूरी के पूरी क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये बात आपको समझ में आई क्या, क्या मैं सिमेट्री कब चेक कर रही है, ठीक है। चलो, जब आपके एक से अधिक कार्बन सेंटर आपको एटम दिखता है मॉलिक्यूल में, अब आते हैं नोट, नोट में ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव डज नॉट हैव COS इन POS। बच्चों सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, आपको सिमेट्रिक मॉलिक्यूल मतलब आधा तक कट करो, आधा तक कट करो तो आपको सिमेट्री मिलेगी, दोनों पार्ट इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे किसी मॉलिक्यूल के, तो उसको बोलते हैं अपन सिमेट्रिक। तो मैं बोलूंगा कि कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब उसके पास सिमेट्री नहीं हो, बच्चों मैं सीधा बोलूंगा जब उसके पास सिमेट्री ना हो, अरे बताओ भाई जल्दी से, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ही नहीं ना, अरे बताओ जल्दी से, जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ना, ऑप्टिकली एक्टिव वही मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपके अनसिमेट्रिकल होंगे, जल्दी से बताओ सभी को, तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स वही होंगे जो अनसिमेट्रिकल होते हैं, और सिमेट्रिकल वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्टिव नहीं हो सकते, वो ऑप्टिकली वीक होंगे। यस, कितनी बात समझ में आ गई है, डन, बराबर समझ लो, थोड़ा सा लॉजिकल है, बराबर रास्ते में समझ लो, जहां भी दिक्कत हो उसको पूछ लो। अब हम आते हैं सीधे सेंटर ऑफ सिमेट्री की तरफ, नेक्स्ट आपका हेडिंग है सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो पहला क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होती क्या है, बताओ बच्चों क्या होती है, COS होती क्या है? तो COS बच्चों क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट है, ये दो वर्ड समझो, वर्ड मैंने कहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर का मतलब क्या है, एक पॉइंट, अरे सेंटर का मतलब क्या, पॉइंट, और सेंटर वर्ड इज डिफाइंड फॉर रिंग, रिंग के अंदर जो सेंटर होता है, अरे बेटा सेंटर कहाँ पे होता है, रिंग के अंदर ही तो होता है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का ध्यान करो, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी सेंटर, एक इमेजिनरी पॉइंट, एक इमेजिनरी सेंटर, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एन इमेजिनरी सेंटर ऑफ पॉइंट फ्रॉम व्हिच, वहां से एट इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन सेम एटम और ग्रुप इज प्रेजेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक इमेजिनरी पॉइंट हो, एक इमेजिनरी सेंटर हो, उस सेंटर से अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में देखो, अपोजिट पता है ना, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में देखो तो वहां पे इक्वल डिस्टेंस पे, व्हाट इज वेरी इंपोर्टेंट, इक्वल डिस्टेंस पे सेम एटम और मॉलिक्यूल्स मिलने चाहिए, अगर ऐसा है तो वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। क्या आपको मेरी बात सबको समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, क्या सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, यस और नो, हमें क्या करना है वो देखो।
हमें मॉलिक्यूल के अंदर आविष्कार, ओके, हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर एक एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट से बच्चों मुझे अपोजिट साइड में जाना है, और जाने के बाद अगर आपको सेम मॉलिक्यूल या सेम एटम मिल जाते हैं अपोजिट साइड में, सेम डिस्टेंस पे, कीप इन माइंड सेम डिस्टेंस पे मिल जाते हैं, तो बेटा वहां पे बोलेंगे वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। इतनी बात सभी क्लियर हो रही है, जल्दी से बताओ बच्चों। यस, तो जैसे ये देखो पहला मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिया है, चेक करो क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, यस और नो, ध्यान से देखो और आंसर बताओ, क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? बिल्कुल होगी बच्चों। कैसे देखना है देखो, आपको मैं समझाता हूं। यहाँ पे देखो जरा, ये मॉलिक्यूल मैंने यू लिया है, इसका बड़ा सेंटर कहां पे होगा, ये बच्चों ध्यान से देखना है, निकालने का तरीका देखो, इसका सेंटर कहां है मॉलिक्यूल का, यहाँ पे होगा। इस सेंटर से आप अपोजिट साइड में आओ, मैंने बोला है ना एन इमेजिनरी पॉइंट और सेंटर, जहां से फ्रॉम विच एट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल मतलब बेटा मैं इधर आ सकता हूं इधर आ सकता हूं, अपोजिट साइड में इक्वल डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी ना, तो यहाँ पे CH2 मिलेगा, यहाँ भी CH2 मिलेगा, बोथ मॉलिक्यूल्स इक्वल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा दिख रहा है तो अपन इधर भी तो जा सकते थे, अरे इधर चले जाओ कोई इशू नहीं, इधर चले जाओ, डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड में जाना चाहिए सेंटर से। तो बेटा इस मॉलिक्यूल में देखो, इस गिवन स्ट्रक्चर में जो साइक्लो आपको ब्यूटेन दे रखा है, इसमें आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल मिल रही है। अगर बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है तो मुझे बताओ क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यस नो का आंसर दो। बट अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, एक्टिव नहीं होने वाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डेफिनेटली बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल, नेक्स्ट मॉलिक्यूल यहां पे ये दिया है, ध्यान से देखो और आंसर बताओ। ये मॉलिक्यूल देखो ऐसा दे दिया, बना के भी देख सकते हो, सामने दिख भी रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है इधर क्लोरीन है ना बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ तो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका। बच्चों सेंटर पहले मैं चेक कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री पर एक एक वर्ड निकालना सीखता हूँ, पहले सेंटर ऑफ सिमेट्री फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे हम लोग। तो इस सेंटर से आओ इधर अपोजिट साइड में, इधर से इधर, क्या दोनों की डिस्टेंस बराबर है? हाँ सर बिल्कुल बराबर है। उसके बाद सर मैं चेक करना चाहता हूँ ये वाली डिस्टेंस, ठीक है इधर भी आ जाओ, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर है, यहाँ पे क्लोरीन मिल रहा है, यहाँ क्लोरीन मिल रहा है, यहाँ तो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है, सर बिल्कुल सही, कम से कम एक आपकी दिखनी चाहिए, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ तो दो दो दिख रही है, तो सर ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, कभी भी एक्टिव नहीं होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिल्कुल सही रहोगे। नेक्स्ट इसको बताओ, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखो बहुत ही आसान है, हाँ सर डिफरेंट है तो सर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो मैंने देखो पहले बोला था सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं होगी, ठीक है सभी बच्चों प्लीज देखो ध्यान से। तो ये मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे है, इसको अपन ऐसे बना लेते हैं, ये क्लोरीन यहाँ पे है, ये क्लोरीन यहाँ पे है, बताओ क्या बच्चों यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी? तो देखो पहले सेंटर बना लो, ठीक है मेरी सेंटर ये, तो ये मॉलिक्यूल का सेंटर तो ये होगा ना, रिंग का सेंटर यही होगा, इसका अपोजिट इधर आ जाएगा, तो इधर क्लोरीन दिख रहा है सर, यहाँ पे क्या है दो हाइड्रोजन है, सर दोनों डिफरेंट है, नहीं सर या तो मुझे POS मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है, सॉरी मुझे यहाँ पे COS नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, इधर देखो ये क्लोरीन दिख रहा है ना, इधर आ जाओ जरा, इधर भी चेक कर लो जरा एक बार, इधर हम आते हैं इधर आते हैं, तो क्या मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। अरे बताओ बच्चों क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात इतनी समझ में आ रही है? तो क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मिल रही है? तो प्लेन सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है क्या? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिल रही, जब नहीं मिल रही है तो इससे हम कर देंगे क्रॉस। तो हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा? अगर सिमेट्री नहीं मिल रही है तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, इसको देखो क्या यहाँ पे मिलेगी? हाँ वन ऑफ फोर पे होता डेफिनेटली, वन फोर पे होता तो डेफिनेटली आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होता, वन ऑफ फोर पे ये वाला स्ट्रक्चर होता है ऐसा ध्यान दो,
अगर ये स्ट्रक्चर ना ऐसा होता, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा देते, ये वाला क्लोरीन यहाँ पे, तो आपका होता बिल्कुल यहाँ पे आपको मिल जाती, यहाँ पे आपको सेंट्रल सिमेट्री मिल जाती। देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन है ना, अपोजिट साइड में इधर जाओ और इधर आओ, बराबर डिस्टेंस दिख रही है ना, बिल्कुल सही। तो फिर आपका ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता, क्योंकि COS यहाँ पे मिल रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको मिलेगी। बट सर प्लेनो सिमेट्रिक नहीं, नहीं अभी मैं डेप्थ ऑफ एस पे आने वाला हूं। अच्छा प्रीपेसिबल, अच्छा इसकी बात कर रहे हो आप, इस वाले की। तो यहाँ यहाँ तो दोनों सेम ही है ना, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अरे भाई यहाँ देखो ना, अपोजिट साइड में जाने पे बराबर डिस्टेंस आ रही है ना, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो मतलब ऑप्टिकली मॉलिक्यूल कैसा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ पे सीओएस नहीं है। तो अपोजिट साइड जाने पे सेम ग्रुप नहीं मिल रहे हैं। उसका अगले वाला, अच्छा ये वाला और कितना, अगले वाला ये, अच्छा ये वाला, इसमें देख लो इसमें क्या है, इसमें तो सेम ही ग्रुप मिल रहे ना दोनों साइड में, तो यहाँ भी सीओएस प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट वाला देखो, ये नेक्स्ट ये है, तो यहाँ पे तो वो रिंग दे रखी है। अब बताओ जरा आंसर, ये थ्री एटम्स की रिंग दे रखी है, क्या आपका ऑप्टिकलेक्टिव होगा या नहीं होगा? क्या करो आंसर बताओ ध्यान से। होगा एक्टिव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्टिव होगा, कैसे होगा वो देख लो। इसमें आपको क्या करना है बेटा, यहाँ देखो इसका सेंटर कहाँ है, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर कहाँ है, सेंटर आपको पता नहीं, सेंटर निकालना आता है क्या, रिंग का सेंटर आता है कि नहीं, पहले ये बता दो, सभी को आता होगा। ये इसका सेंटर हो गया, चलो अपोजिट साइड में चलो ऊपर की तरफ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मिल गया CH2, क्या नीचे CH2 है, क्या नीचे CH2 दिख रहा है आपको, जल्दी से बताओ आंसर। अपोजिट साइड में बात करता हूँ बच्चों, अपोजिट साइड में नहीं मिल रहा है, हाँ ना कहाँ से दे दो, चलो आंसर बनता जाएगा। इधर आ जाओ, इधर CH2 मिल रहा है यहाँ पे, बट इधर CH2 मिल रहा है यहाँ पे, नहीं मिल रहा है, इधर आ जाओ जरा, ठीक है इधर आओ बेटा, यहाँ पे CH2 मिल रहा है, क्या यहाँ पे CH2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इधर भी COS नहीं है, इधर भी सेंट्रल सिमेट्रिक नहीं है, तो मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। हो गया सीधा आंसर, COS नहीं है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर हाइड्रोजन कार्बन टू हाइड्रोजन है सर, अरे मेरे भाई यार सीधा सा है, अपोजिट अपोजिट बोल रहा हूं मैं आपको, वही तो बोल रहे हो ना बच्चों, मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसमर नहीं पढ़ रहा हूँ, आप ज्योमेट्रिकल पे टिके हो भी कि दो हाइड्रोजन सर है तो इस पे, अरे दो हाइड्रोजन लगा लो यार अपोजिट साइड में, तो चलो मेरे भाई अपोजिट साइड में चलो, अरे सेंटर ऑफ सिमेट्री में ये पहले बता रहा हूँ, ये सेंटर होगा कि नहीं होगा बताओ, अगर ये सेंटर होगा तो इसके चलो अपोजिट, तो पहले तो मैं इधर आऊंगा ना इधर, अरे बताओ इसका अपोजिट ये जाएगा ना, तो ये डिस्टेंस क्या बराबर है, मॉलिक्यूल से अलग है ना, इधर तो कोई CH2 है ही नहीं है ना, ये तो बॉन्ड लेंथ है आपकी, बॉन्ड दिख रहा है, तो कोई COS नहीं है, इधर आ जाओ कोई COS नहीं है, इधर आ जाओ कोई COS नहीं है, हम ऐसे थोड़ी नहीं बना सकते यार, हम ऐसे थोड़ी नहीं बनाए कि इधर आ जाए फिर इधर आ जाए, ये अपोजिट थोड़ी नहीं है, ये अपोजिट है क्या, दिस इज नॉट दी अपोजिट ना, अपोजिट तो ये होता है ना, ये अपोजिट होगा ना इसके अपोजिट, ये अपोजिट कैसे हो सकता है बेटा। आप बोलोगे सर CH2 सेम है, अरे CH2 सेम होने से मतलब क्या है, आपको जाना अपोजिट है ना, मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी है, आप पढ़ो इसको डेफिनेशन को ध्यान से, फ्रॉम विच एट इक्वल डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या एंगल लिखा है 90 डिग्री पे, लिखा है 60 डिग्री पे आपको जाना है, इन अपोजिट डायरेक्शन लिखा है ना, सेम एटम होने चाहिए और ग्रुप होने चाहिए, तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, कि इमेजिनरी पॉइंट से आपको जाना कहाँ पे है, इक्वल डिस्टेंस में अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, वहां पे अगर सेम एटम और ग्रुप मिल जाते हैं तो वहां पे CUS होगी, बताओ जल्दी से, वहां CUS होगी। सुजल आपने बोला सर पर दो कार्बन, पर कार्बन पे दो हाइड्रोजन है सर, और अलग अलग होने चाहिए ना, आप पढ़ क्यों रहे हो यार, आप ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हो क्या सुजल, ज्योमेट्रिकल नहीं है बेटा, हम ऑप्टिकल पे बात कर रहे हैं, फोर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए ना कार्बन पे, फिर से यार वही दिक्कत, वही दिक्कत, वही प्रॉब्लम आप कर रहे हो यार मेरे भाई,
यहाँ पे हम लोग एक कायरल सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझो। ये कोई ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था जहां पे एक ही कायरल सेंटर कार्बन हो। अगर एक कायरल सेंटर होगा वही यार, वही तो है ना, आप लेट ज्वाइन हो गए तो आपकी मिस्टेक है यार। मैंने बोला है कि हम सिमेट्री कहां पे चेक करते हैं, हम प्लेनो सिमेट्री कहां लगाते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री हम कहां पे लगाते हैं। अरे सेंटर ऑफ सिमेट्री वहां पे लगाते हैं जब एक से अधिक कार्बन आपके sp3 वाले हो, आपको वही लाइन नहीं पकड़ रहे हैं। अरे वो तो बेटा वहां से क्वेश्चन ही बनता, जो आप बोल रहे हो ना वहां से क्वेश्चन ही नहीं बनता, खत्म कहानी। क्वेश्चन बनता है यहां से, वहां से क्वेश्चन ही नहीं बनता। एक देखो मैंने पहले ही बोला है कि जब एक कायरल सेंटर होगा तो आंख बंद करके बोल दो कि 100% सर्वो ऑप्टी एक्टिव होगा, कहानी खत्म। बस किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर कार्बन हो, ठीक है, तो हम सीधा बोलेंगे कि वो आपका ऑप्टी एक्टिव में आएगा। लेकिन मैंने एक वर्ड पहले भी बोला था, अगर आपको शायद पता हो, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं, आप शायद याद नहीं रखते हो जो मैं बोलता हूं ना, वो आप याद नहीं रखते हो, दिक्कत उस बात की है। ये देखिए इसको पढ़ो, इसको मैंने कल ही बताया था, कल लिख के मैंने बताया था इस लाइन को, पढ़ो जरा ध्यान से, और डेली लेक्चर ज्वाइन करते हो तो पढ़ो इसको, इस पूरी के पूरी स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या लिख रहे हैं पढ़ो, फिर मुझे आंसर करो, जल्दी से बताओ, इसको पढ़ो फिर आंसर करो मुझे। क्या लिखा है? कायरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। बस बता दो मुझे, क्या कायरल सेंटर होना एक नेसेसरी कंडीशन होगी ऑप्टिकल एक्टिविटी की? नो। अगर कायरल सेंटर कार्बन होगा तो ऐसा नहीं हमेशा कि वो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल ही हो, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी में ये चेक करना जरूरी होता है कि अगर एक ही जैसे इस टाइप के मॉलिक्यूल हो, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल बताए थे मैंने, इन सब में चेक कर लेना है, बस खत्म का नहीं, कोई रिंग वगैरह नहीं आना चाहिए, बस इस पे चेक कर लेना है, सिंपल सा। रिंग आ भी जाएगा तो कोई इशू भी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा बोला था कि एक sp3 आयोडाइज कार्बन पे 4 डिफरेंट एटम ग्रुप अलग होने चाहिए, तो वहां पे एक कार्बन सेंटर होगा, हम सीधा टिक करेंगे सर वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कहानी खत्म। लेकिन हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहां चेक करेंगे? जब एक से अधिक कार्बन सेंटर कार्बन एटम आ जाए तो फिर वहां पे हम लोग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। बस अब निकालो आंसर यहां पे, तो इसलिए तो मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे क्या हो गया, हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चेक कर रहे हैं, पीओएस सीओएस नहीं है, इस पे बताओ क्या सीओएस होगा? अपोजिट आ जाओ, लगा लो अपोजिट, डिस्टेंस भी बराबर आनी चाहिए ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां बताओ, यहां तो पहले से कैंसिल हो गया क्योंकि यहां पे रिंग नहीं है ना, तो आपका यहां पे क्या सेंटर सिमेट्री हो सकती है क्या? अरे भाई सेंटर तो बेटा रिंग का ही होता है ना, सेंटर तो रिंग का ही होता है ना, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। इतनी बात सभी को यहां तक समझ में आई है तो बताओ, फिर मैं और मॉलिक्यूल लेने वाला। इतनी बात क्या सभी को समझ में आई है? जल्दी से बताओ, जितने हम ज्यादा एग्जांपल करेंगे उतना ही ज्यादा चीजें आपकी समझ में आती जाएंगी। सभी लोग पहले रिस्पॉन्स करो, फिर मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूं। बताओ जल्दी से। अब एक क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन, ये अच्छा देखो, क्या यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? हाँ वही वही पीछे टॉप वाला, क्या यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? इसके पहले वाला एग्जांपल भी यही लेता हूं मैं, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नास्ते रखा था, ठीक है, दो CH3 ऊपर थे, ठीक है, ये था दोनों CH3 इसमें ऊपर है, CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ओके। आप बोलोगे सर ये तो sp2 वाला है, रिंग तो है नहीं इसमें, ठीक है, बट आपका ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड को हम लोग साइक्लो एल्केन की फॉर्म में ले सकते हैं, दोनों का मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम होगा, कोई इश्यू ही नहीं है। तो जब भी एल्कीन आते हैं ना, वहां पे थोड़ा देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है? जब एल्कीन वाला केस आता है तो वहां पे चेक करना होता है,
कि ये एल्किन वाले केस को हम साइक्लोएल्केन से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करेक्ट है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम होता है। तो उस केस में क्वेश्चन है, क्या आपका इस ये जो मॉलिक्यूल है उसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, एक रिंग बना लो ना, रिंग कोई सी भी रिंग बना लो यार, बीच में रिंग बना लो बस, इन रिंग को हम लोग खत्म कर देते हैं, यहाँ पे CH3 है, इधर एक CH3 ऊपर है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसको भी और भी सिंपल तरीके से समझ लो, जैसा है वैसे आप समझ लो इसको सीधा, उसको एक्स्ट्रा समझने की जरूरत ही नहीं, सीधा हो जाएगा। क्या देखो, अगर मैं यहाँ पे सेंटर ले रहा हूँ, ध्यान दो वन सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे सेंटर ले रहा हूँ, इस जगह मैं सेंटर ले रहा हूँ, तो इससे इधर आ जाओ, ये CH3 मिल रहा है, इससे इधर चले जाओ तो ये CH3 मिल रहा है क्या, इधर आ जाओ नीचे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या डिस्टेंस बराबर आ रही है, अच्छा इधर भी आ जाओ जरा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इधर से इधर आ रहा हूँ तो CH3, इधर से इधर आ रहा हूँ तो हाइड्रोजन, इधर से इधर आ रहा हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर जा रहा हूँ तो CH3, बताओ सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ पे आपको समझ में आ रही है, तो इसमें बोले सुशांत कि सर ये तो रिंग नहीं है, तो नहीं होगा, हाँ वही है, रिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो साइक्लो एल्कीन, जो आपके साइक्लो एल्केन वाले केस होते हैं उसको मैं सॉल्व करता हूँ एल्कीन के बेस पे, तो एल्कीन वाले केस को हम साइक्लो एल्केन के बेस पे तो सॉल्व कर सकते हैं, तो ये स्पेशल केस बनता है साइक्लो, यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है सिसो ट्रांस वाला, ये एल्कीन वाला, यहाँ पे सेंट्रोसिमेट्री में दो केस ध्यान रखना, एक तो आपका रिंग वाला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, प्लस जो आपका यहाँ पे एल्कीन वाला केस है, तो सिसो ट्रांस वाले केस या ई और जेड वाले हैं, उनमें भी आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको बतानी पड़ती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एक्चुअली मुझे तो दिख रहा है सर रिंग नहीं है, लेकिन जो मॉलिक्यूल है कि केमिस्ट्री में जो दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं उस तरीके से, कुछ मुझे इमेजिन भी करना पड़ता है, बिकॉज दीज आर थ्री डायमेंशनल आइसोमर, तो यहाँ पे मैं मेरी बात समझ लो ध्यान से, आपका अगर रिंग है तो वहां पे चेक कर लेना सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बता दिया आपको, और एल्कीन वाला केस है इनको देख लेना, बस ये दो ही केस है जहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्वेश्चन आ सकते हैं, बस तो एल्कीन प्लस रिंग, बस दो को ही देखना है, तो आंसर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि सर इधर से इधर जा रहे थे तो आपकी डिस्टेंस बराबर मिल रही थी, और यहाँ से डिस्टेंस आपकी बराबर नहीं मिल रही है, तो पहले वाले मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, COS आपका प्रेजेंट होगा, सेकंड वाले में एब्सेंट होगा, तो अगर पहले में अगर CUS प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, सिमेट्रिकल, तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, तो दो केस देखने हैं, रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर आपको क्वेश्चन में आता है प्रेजेंट है कि नहीं है तो पहला केस आपको रिंग देखना है, अगर रिंग है तो उनके साथ आंसर बनता है कैसे, तो आपको बता दिया मैंने, दूसरा आपका यहाँ पे एल्कीन वाला केस, तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं दो पे क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस एडवांस के अंदर, इसके बाहर आपको नहीं मिलेगा, बात समझ में आ रही है क्या, तो जो मैंने क्वेश्चन दिए उनको ट्राई करो, और क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व करोगे, देखोगे नहीं, तो वो आपकी गलती है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको कल भी दिख पाता, आज मैंने फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया डाले हैं ग्रुप में, तो उनको देखो, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको कहाँ पे चेक करनी है, रिंग के साथ चेक करनी है और एल्कीन के साथ चेक करनी है, बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। चलो यहां तक क्लियर हो गया, अब बात करेंगे हम लोग प्लेनर सिमेट्री, तो प्लेनर सिमेट्री क्या है, तो प्लेनर सिमेट्री बच्चों हम जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री में सेंटर था, तो प्लेनर सिमेट्री में क्या है, एक इमेजिनरी प्लेन होगा कुछ डिवाइड मॉलिक्यूल्स इनटू टू इक्वल पार्ट, ये क्या करेगा, टू इक्वल पार्ट में मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेगा, अगर कहीं भी एक इमेजिनरी प्लेन को पास कराओ, और इमेजिनरी जो प्लेन होगा वो बच्चों पास कहां से होगा, मॉलिक्यूल के सेंटर से ही, अरे भाई कोई भी मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कब होता है, जब उसे बीच से काटा जाए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, सुनो ध्यान से, सेंटर ऑफ सिमेट्री में कहता एक, ध्यान रखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या था, एक सेंटर था बीच में, वो सेंटर क्या था, उस सेंटर से अगर आप अपोजिट साइड में जा रहे हो तो जाने पे इक्वल डिस्टेंस पे आपको क्या मिलना चाहिए, सेम ग्रुप मिलने चाहिए, तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेनर सिमेट्री में क्या होगा, प्लेनर सिमेट्री के अंदर एक इमेजिनरी प्लेन होगा, वो प्लेन क्या कर रहा होगा, मॉलिक्यूल्स को दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा होगा, तो दो इक्वल पार्ट में कोई भी मॉलिक्यूल्स कब कट होगा, जब वो प्लेन आपके सेंटर से पास हो, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात सभी के दिमाग में बैठ रही है,
कि प्लेनो सिमेट्री का पहले मतलब समझ लो है क्या। प्लेनो सिमेट्री का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है बिकॉज इट इज थ्री डी फॉर्म, थ्री डायमेंशनल फॉर्म है ये। कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग यार नहीं समझा मैं, कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैंने डाली थी ना ग्रुप पे 9-12 से 10 तक। हाँ हाँ, जितने टाइम तक लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था उसी टाइम पर, ठीक है। बीच में क्या होता है कि थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी स्लो होती है, ऐसे आवाज थोड़ी बहुत ऐसे ऊपर नीचे जाती है, ठीक है, बस वही दिक्कत होती है। ओके, जब लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय 33-35 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। बाकी जो ज्वाइन नहीं हो रहे हैं भाई देखो, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, ठीक है। चलो, तो इसमें कुछ डाउट था, लास्ट इज ऑफ के नेगेटिव ना इन COS सेंटर ऑफ सिमेट्री। हाँ, ये इसमें इसमें ना, हाँ बराबर, इसमें आपकी COS मिल रही है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही है। बिकॉज यहाँ से अगर बीच में देखो, अगर इधर जा रही इधर जा रहे बराबर सेम ग्रुप मिल रहे हैं ना, इधर भी सेम ग्रुप मिल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिलेगी, तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, इनएक्टिव होगा। प्लेनो सिमेट्री की बात करते हैं। चलो पहले कुछ जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया जेड, जेड मैंने एग्जांपल लिया, बताओ जरा क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी इस जेड में? जेड इज वन वर्ल्ड अल्फाबेट का, क्या यहाँ पे आपको प्लेन, क्या आपको प्लेनो सिमेट्री मिलेगी? जल्दी बताओ, क्या प्लेनो सिमेट्री मिलेगी? एक इमेजिनरी प्लेन बनाना है, अरे दोनों पार्ट बराबर है कि नहीं? मैं डिस्टेंस की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, अपोजिट साइड में जाना है, जाना ही नहीं है आपको, जाने वाला सेक्शन तो आपने किसका था? सेंटर ऑफ सिमेट्री का। यहाँ पे सिर्फ एक प्लेन को बीच से पास करा दो, ठीक है, प्लेन को बीच से पास करा दो, प्लेन को बीच से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली बीच से पास करा दो, करा दिया आपने पास। कराने के बाद मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में दिखना चाहिए, एक तो पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना, क्या दोनों पार्ट इक्वल है, क्या दोनों पार्ट बराबर है? अगर दोनों पार्ट बराबर है तो इसका मतलब क्या, अरे इक्वल पार्ट में तो डिवाइड होना है ना, तो सीधा क्या हो जाएगा, प्लेनो सिमेट्री। अरे अभी मैंने बोला था सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या था, सेंटर ऑफ सिमेट्री में बीच से बीच ही जाना है आपको अपोजिट साइड, और बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों अपोजिट साइड की, और वहां पे सेम ग्रुप आपके लगे हुए होने चाहिए, तो हम प्लेनो सिमेट्री टिक कर सकते हैं। सॉरी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेनो सिमेट्री में क्या होगा, हम एक इमेजिनरी प्लेन को बीच से, मॉलिक्यूल के बीच से पास करा दें, और बीच से पास कराने के बाद वो दो इक्वल हाफ में कट हो जाना चाहिए, तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ क्या दोनों बराबर है? हाँ बराबर है, तो जेड में क्या होगा, पीओएस मिलेगी। बताओ पहले, इतनी बात समझ में आ रही है, जेड में आपकी पीओएस मिलेगी, प्लेनो सिमेट्री आपको मिलेगी, ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पे जेड में प्लेनो सिमेट्री मिलेगी? सुजल बोल रहे हैं नो, रत्नेश बोल रहे हैं नो, यार मिलेगी, इक्वल हाफ समझ में आता है क्या, दो बराबर पार्ट में कट कट हो रहा है ना, तो इक्वल हाफ हो जाए। नेक्स्ट देखो कैपिटल ए, क्या यहाँ पे आपको मिलेगा प्लेनो सिमेट्री? जल्दी बताओ, बिल्कुल मिलेगा, यस वही सही आंसर, इसको बीच से कट करो, कहीं से भी प्लेन डाल लो आप यार, यहां से डाल, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है कि नहीं? हाँ बराबर है, अगर ये बराबर है तो मतलब यहाँ पे आपको यस बिल्कुल आपको मिलेगी प्लेनो सिमेट्री, बिल्कुल मिलेगी। अगर इसी तरीके से मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने दिया है बी, बताओ जरा क्या यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री मिलेगी? अरे यार यहाँ से कट कर दो, यूं ऐसे कर दिया ना, तो ये वाला हाफ ऊपर नीचे वाला हाफ बराबर है ना, अरे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली में से कोई एक ड्रॉ करके आपको देख लेना है, दोनों ही ड्रॉ करोगे ना तो फिर आप कब क्या है ना कि थ्री डायमेंशनल हम बात कर रहे हैं, तो थ्री डायमेंशनल बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पे लग रहा होगा इस तरीके से। अभी आप क्या करो, इसको आप इधर से कट करके देखो, और इधर से कट करके देखो, ऊपर से कट करोगे तो एक इक्वल हाफ नहीं मिलने वाला, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो कोई एक एनी वन हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों ही डाल के देख लो, दोनों में से कोई एक साइड में अगर आपको इक्वल हाफ में कट होते हुए मॉलिक्यूल दिखता है तो हम उसे प्लेनो सिमेट्री में काउंट करेंगे, ठीक है। आपको अगर ऊपर से डालोगे तो भी कट होगा, एक्चुअली होगा क्या कि अगर आप सीडी में लेना पड़ेगा यार, बी मान के चलो यहाँ पे है, बी इधर बना है, थोड़ा इमेजिन करो बी ऐसा बना है, ऊपर से कट करोगे ना तो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर होगा ना कट, बात समझ में आ रही है?
तो वो भी तो बराबर ही होगा ना, अभी आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा। और इस बी को अगर इधर से कट करो तो भी तो मिलेगा ना आपको बराबर हाफ पर। तो मतलब बी के पास भी आपकी प्लेनर सिमेट्री मिल रही है। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे आर कैपिटल आर, बताओ जरा यहाँ पे मिलेगी प्लेनर सिमेट्री? दोनों से किससे किससे उठा? दोनों मतलब दोनों कौन सा, क्या यहाँ पे प्लेनर सिमेट्री होगी? नहीं नहीं होगी, नो प्लेनर सिमेट्री। ठीक है, नो प्लेनर सिमेट्री, यहाँ प्लेनर सिमेट्री। सी में होगी क्या? सी क्या इसमें होगी? हाँ बिल्कुल, कट कर दो भी इससे, ये वाला सेक्शन बराबर है बिल्कुल, पीओएस यहाँ पे होगी। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे डी, बताओ यहाँ पे होगी का प्लेनर सिमेट्री? बिल्कुल, कट कर दो भी इससे, एक ऊपर वाला सेक्शन एक नीचे वाला सेक्शन दोनों बराबर है, तो यहाँ भी प्लेनर सिमेट्री आपको मिली। बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी से बताओ। यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? चलो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स में। जरा यहां बताओ, बताओ फर्स्ट मॉलिक्यूल में क्या प्लेनर सिमेट्री होगी? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? जैसे कि मैं रिंग बताऊं, रिंग रिंग को ले जाता हूं, रिंग में मान लो चलो ये साइक्लोहेक्सेन है, तो मैंने देख इसमें कितनी प्लेनर सिमेट्री है, बताओ सर इसमें कितनी प्लेनर सिमेट्री होगी बताओ? एक तो आप यहां से बात करा लो, ठीक है, यहां से जाएगा इस तरीके, इसको यहां से करा लो क्रॉस, ठीक है, इसको यहां से क्रॉस करा लो, तीन तो ये हो गई, ठीक है, तीन ये हो गई, और भी तो हो सकती हैं। अरे भाई बराबर ग्रुप थोड़ी नहीं मिलने चाहिए प्लेनर सिमेट्री में, हम ये तो नहीं देखते कि ग्रुप आपके सेम होने चाहिए कोई अटैक, बस बीच से जाना चाहिए, मॉलिक्यूल आधा कटना चाहिए। ये भी तो हो सकती है, एक ये भी तो हो सकती है, एक यहां से लाओ ये भी तो हो सकती है, बताओ जरा होंगी कि नहीं होंगी, कितनी होंगी? रिपीट नहीं होनी चाहिए बस यहाँ पे, एक ये हो गई, दो ये हो गई, थ्री हो गई, ये फोर हो गई, ये फाइव हो गई, ये सिक्स हो गई। सिक्स तो सीधी मिल रही है ना आपको, सिक्स सीधी मिल रही है। और एक क्या है, एक जो रिंग दिख रहा है ना, उस रिंग को अपन ऊपर से कट करते हैं, बीच में ऊपर से, आपको पता है ना इस तरीके से, जैसे रिंग यहाँ पे मान लो ऐसा, ये रिंग है ऐसा, देखो ये रिंग दिख रहा है ना, ये रिंग अगर दिख रहा है ऐसा, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ इस जगह से बीच में से, समझ में आ रहा है क्या? इसको मैं बीच में से कट कर दूं, तो आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, बताओ बात समझ में आ रही है क्या? इसको मैं बीच में से कट कर दूं यूं ऐसे, इससे क्वेश्चन आया है कि साइक्लोहेक्सेन में कितनी प्लेनर सिमेट्री होती है? आंसर बिल्कुल सेवन, सेवन इज द आंसर। इसको अगर मैं बीच में से कट करूं तो बीच में से तो भी बिल्कुल हाफ ही मिलेगा, बताओ जरा, बताओ जरा। तो सिक्स देखो, सिक्स आपकी प्लेनर सिमेट्री वो हो गई सीधी जो आपको दिख रही है, एक बीच वाला और काउंट करते हैं, इसलिए टोटल आपकी यहाँ पे हो जाती है सेवन, तो आंसर विल बी सेवन, इससे क्वेश्चन आया था, सेवन इज द आंसर। समझ में आ रहा है क्या? इतना पॉइंट सभी क्लियर है? तो साइक्लोहेक्सेन कैसा होगा? ऑप्टली इनएक्टिव होगा, अरे होगा ना। अब जरा इसमें बताओ क्या यहाँ पे मिली? आप देखो बीच में से कट कर दो, ये सीएच ना कट हो जाएगा, आप ऐसे समझो बीच में कार्बन दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ऊपर, इसको बीच से कट कर लो, ऐसा क्या होगा? देखो बीच में रिंग है, यहाँ पे रिंग समझ लो, बीच में रिंग लगाया, ऊपर कार्बन है एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ऊपर यहाँ पे आपका ऊपर भी आपका हाइड्रोजन, ऊपर से कट करो जरा सीधा ऐसा डालो, कट करो तो आधा हाइड्रोजन इधर आधा हाइड्रोजन इधर जाएगा ना, तो दोनों ग्रुप ऊपर नीचे देखो तो बराबर ही मिलेंगे ना कट करने के बाद, ये ऐसा जाएगा ना इस तरीके से, इसको यहाँ देखो और बेटर समझ में आएगा इस तरीके से, यहाँ पे कार्बन हो गया एक एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसे होते हैं, ध्यान दो इसको मैं रिंग की फॉर्म में बनाता हूँ और बेटर समझ में आएगा, ये देखो इसको ना मैं रिंग की फॉर्म में बना लेता हूँ तो आपको सही समझ में आएगा। ये देखो एक एटम यहाँ पे है कार्बन का, एक एटम यहाँ पे हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के ऊपर, समझ में आ रहा है सभी को? नीचे देखो तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, नीचे भी वही कार्बन इधर हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन आपका इधर होगा, जब इसे आप कट करोगे तो कट करने पे क्या होगा, ये वाला बीच वाला यू ऐसे कटता जाएगा, बताओ जल्दी से, अरे कट रहे ना, तो ये एटम आधा ये भी एटम हाफ हाफ, इस एटम तो स्फेरिकल शेप में होते हैं ना, ये कट हुआ तो ही होगा, तो ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन और इधर वाला पूरा का पूरा सेक्शन इंक्लूडिंग दिस, ये तो बराबर ही मिलेगा ना, अरे बताओ आपको बात समझ में आ रही है क्या? सभी को समझ में आ रहा है कि हम थ्री डी फॉर्म के ऊपर बात कर रहा हूँ थोड़ा सा,
ये बात समझ में आ रही है कि जल्दी? ओके ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे तो आपको आंसर मिल गया, यहाँ तो प्लेनर सिमेट्री होगी। जरा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मिलेगी प्लेनर सिमेट्री, यहाँ क्या प्लेनर सिमेट्री मिलेगी बताओ? तो एक्सियल यहाँ पे था, एक्सियल यहाँ पे, तो आप पहले मैं पूछू अगर यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी, तो अभी मैंने बताया सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाले, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपको पता है, मैंने बताया था कोई साइड में चलने पे ग्रुप होने चाहिए। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? तो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री में देखो, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दू, बीच में से कट कर दूंगा तो ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन बराबर हाफ मिलेगा ना, इक्वल हाफ में हो जाए। यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जितने हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे उतने ही यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी। कुछ 5-6 क्वेश्चन करने से चीजें क्लियर नहीं होने पर, हमें क्वेश्चन अधिक से अधिक करने पड़ेंगे, सब चीजें क्लियर होंगी यहाँ। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट यहाँ बताओ जरा, बाकी आपका डाउट बनेगा तो आप मुझसे पूछ लेना। यहाँ बताओ जरा, क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होने वाले। इस मॉलिक्यूल की अगर आप बात करो, ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐसे बना के दे रखा है, एक सीएल यहाँ पे है। मैं क्वेश्चन पूछू क्या यहाँ पे आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, तो आंसर होगा नहीं। आप चेक करके देख लो, अपोजिट साइड में चलो कि आपको बराबर पे कुछ सेम ग्रुप मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं होने वाली। क्या प्लेनर सिमेट्री प्रेजेंट होगी? जल्दी से बताओ। तो प्लेनर सिमेट्री का है, बीच से कट कर लो सर, ये मैंने कट कर दिया। 1 सेकेंड, पेन सेलेक्ट नहीं किया था मैंने, ये ठीक है, इसको अपन यहाँ पे जोड़ लेते। तो इसको मैंने बीच से कट कर दिया है, एक ग्रुप ये मिला, एक पूरा ग्रुप ये मिला, दोनों ही क्या इक्वल है कि नहीं? इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टू इक्वल पार्ट में? हाँ बिल्कुल। तो यहाँ भी आपकी प्लेनर सिमेट्री प्रेजेंट। क्या नीचे वाले में प्लेनर सिमेट्री होगी? हाँ अभी बोल चुका हूँ शर्मेश, सेकंड वाले में सीओएस नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री सेकंड वाले में बिल्कुल शर्मेश। क्या इसमें आंसर मिलेगा बताओ? सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला क्वेश्चन, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? वो भी नहीं होने वाली है। क्यों? इधर ब्रोमीन आ गया है। आप इसे अगर कट करके देखो तो कट करके आपको क्या मिलेगा? ये मॉलिक्यूल अगर इस तरीके से है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका ये ब्रोमीन है और यहाँ पे आपका ये क्लोरीन है। इसको आप इसे कट कर लो, इधर से भी कट कर देख लो, इधर ब्रोमीन तो आएगा, इधर क्लोरीन है, ये तो डिफरेंस क्रिएट करेगा। बाकी कार्बन हाइड्रोजन तो सेम होंगे, बट क्लोरीन और ब्रोमीन की वजह से ये क्या होगा, यहाँ पे आपको सिमेट्री नहीं मिलने वाली। तब सिमेट्री नहीं मिलेगी तो यहाँ पे पीओएस भी नहीं होगी और एज वेल एज आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी, दोनों ही नहीं होगी। इसमें बताओ जरा, क्या इसमें आपकी प्लेनर सिमेट्री होगी? क्या यहाँ पे प्लेनर सिमेट्री, इसको ऐसे बना लो, ये आपका यहाँ पे रिंग है इस तरीके से, यहाँ पे कार्बन है, इसका एक रिंग, कार्बन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन, यही है ना, ऐसे आपको दिख रहा है, ये स्फेरिकल शेप में है। 1 सेकेंड, ये स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल शेप में, बट इसको बीच से कट करो जरा, मैंने इसको यूं कट कर दिया बीच से। तो देखो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन इक्वल कट होगा, ये आपका कार्बन भी इक्वल कट होगा, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन बराबर होगा, ये पूरा का पूरा सेक्शन इससे बराबर होगा, तो यहाँ पे टू इक्वल हाफ मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे आपकी सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गई? यस। बाकी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना तो और बेटर समझ में आएगा, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, मैंने बेसिक ऑब्जर्वेशन आपको दिया है, कुछ क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं उनको ट्राई करो, आपके पास जो बुक्स हैं उसमें भी देखो, मैं क्वेश्चन और भेजूंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री पे, सेंटर ऑफ सिमेट्री पे, कोशिश करना देखने की, जितना हम ज्यादा कोशिश करेंगे आंसर हमारे उतने ज्यादा क्लियर होंगे, हमारे कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे। देखो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाउ टू चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम लोग कैसे चेक करते हैं, ठीक है, थोड़ा सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम लोग चेक कैसे करते हैं, बाकी कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे ग्रुप में डाल देना, मैं बता दूंगा। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम चेक कैसे करते हैं, मुझे 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है वो भी समझ लो। पहली पॉसिबिलिटी जो यहाँ पे आती है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग वन कायरल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। किसी मॉलिक्यूल के पास अगर एक कायरल कार्बन होता है, एक कायरल सेंटर होता है, तो ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, सीधा टिक कर देना। सेकेंड कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर, वन कायरल सेंटर, अगर एक से अधिक कायरल सेंटर होगा तो फिर बच्चों लिखा है कि मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, हो भी सकता है ऑप्टिकली एक्टिव और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, ये बात समझ लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं।
अगर एक कायरल कार्बन, एक कायरल सेंटर है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये देखो लिखा है बड़े बड़े शब्दों में। अगर आपका एक से अधिक कायरल सेंटर होगा तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कैसे, तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट इज हैज अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल वी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों में से कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट होगी या दोनों प्रेजेंट होंगी तो मॉलिक्यूल ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों प्रेजेंट हो या दोनों में से कोई एक सिमेट्री प्रेजेंट हो तो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, एक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आपके एक से अधिक कायरल सेंटर होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे COS और POS के बीच। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल हैविंग नो कायरल सेंटर, कोई कायरल सेंटर नहीं है तो फिर क्या होगा, मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट इज अनसिमेट्रिकल। तो इन दोनों केस के अंदर हम लोग निकालेंगे POS और COS। तो POS और COS में ये देखना कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के दोनों ही प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है तो भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई? लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? फिर हम लोग कल बात करेंगे कुछ और, टाइप वन टाइप टू भी सारे के सारे केसेस आने वाले हैं, ठीक है। चलो तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं।